गर्मा गर्म चाय के साथ आपका चाय दोस्त शेफ अजय चोपड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। वैसे आज के एपिसोड में मैं शुरुआत में एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके रिस्पॉन्स इतने हार्ट वार्मिंग और इतने हार्ट वेलमिंग है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे रिस्पॉन्स आए हैं जहां पे लोग हमें बता रहे हैं कि मेरे इस शो को देखने के बाद लोग फिर से चाय पे मिलने लगे, उन नई नई डिशेस को ट्राई करते हुए चाय का एक अलग अंदाज बनता जा रहा है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चाय पीते हैं। इस बार हम रेसिपी बनाएंगे फ्रांस की, जिसका नाम है बेक चिकन कॉर्डो ब्लू। कॉर्डो ब्लू का मतलब होता है वेरी हाई ऑर्डर, और इस नाम पे एक फ्रेंच कल्नरी स्कूल भी है जिसे कॉर्डो ब्लू बोला जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे खर्च के इस कोर्स को करना चाहते हैं क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का कोर्स है ये कुकिंग। चिकन कॉर्डो ब्लू जनरली डीप फ्राई होता है, लेकिन मैंने इस डिश को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और उसको बेक किया है। सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट आप या तो बाजार से खरीद लीजिए या फिर खुद चिकन को डीबोन कर लीजिए, और उस चिकन ब्रेस्ट को हमें फ्लैट काटना है, पूरी तरह से उसको खोलना नहीं। चिकन के बीच में एक स्लिट मारना है और उसको एक बटरफ्लाई कट देना है जिससे कि चिकन ब्रेस्ट बीच में से पूरी तरह से ओपन हो जाए। इसको पतले प्लास्टिक में या फिर कोई भी बैग में आप रख के इसको बीट कीजिए ताकि चिकन ब्रेस्ट इवनली थिन हो जाए और कोई कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ना हो। दोस्तों ये हथौड़ा नहीं, इसे मीट मैलेट कहते हैं क्योंकि ये मीट की मैलेबिलिटी को बढ़ा देता है, उसके मसल्स को उसके फाइबर्स को तोड़ता है। आप ये देख रहे हैं ये जो शार्प एजेस हैं, इसको अगर हम मीट की काटलेट पे डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है। चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल पतला फ्लैट बीट कर लिया है, अब इसको हम सीजन करेंगे थोड़े सॉल्ट और पेपर के साथ, और इसमें स्टफिंग होगी हैम और एमेंथल चीज की। हैम स्लाइसेस आपको बाजार में मिलते हैं, तो एक स्लाइस हैम और थोड़ा सा एमेंथल चीज के स्लाइसेस। अब इसी प्लास्टिक को यूज करते हुए हमें इस चिकन को एक रोल बनाना है। और चिकन को इस तरह से टाइटली रैप कर दीजिए, एक टाइट सिलेंडर की तरह। अब इसमें दो सिंपल स्टेप्स बाकी हैं, एक है इसकी क्रस्ट बनाना और दूसरी है उस क्रस्ट को चिपकाने के लिए इसके लिए एक बैटर बनाना। एक अंडा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा मैदा, थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब हम बनाएंगे इसकी ड्राई कोटिंग जो कि बनेगी पार्मेसन चीज से, ब्रेड क्रम्स से और थोड़ी सी चॉप पार्सली से। पार्मेसन चीज, ड्राइड ब्रेड क्रम्स, हर स्टेज पे मैं सॉल्ट और पेपर डाल रहा हूं क्योंकि सीजनिंग बहुत जरूरी है। ये पार्मेसन ब्रेड क्रम्स पार्सले बनेगी इसकी बाहर की क्रस्ट, लेकिन उससे पहले चिकन को हम इस मिक्सचर में डिप करेंगे। इस चिकन को इस
जो बैटर में अंडे, ब्रेड क्रम्स और चीज का बैटर है उसमें लपेटेंगे और फाइनली इसे हम पार्मेसान चीज, ब्रेड क्रम्स और पार्सले के बैटर में भी लपेटेंगे। चिकन को ब्रेड क्रम, पार्मेसान चीज और पार्सले के साथ हमने कोट किया है, अंदर उसके चीज है, हैम है। जब ये चिकन कुक होगा तो वो चीज और हैम इसको बाइंड कर लेगा, प्लस साथ में जो क्रिस्पी क्रस्टी ब्रेड क्रम्स है वो और गोल्डन ब्राउन होके और करारे हो जाएंगे। हल्का सा तेल इनकी साइड्स में और इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे करीबन 18 से 20 मिनट के लिए। ओवन में 18 से 20 मिनट तक ये पकेगा, बाहर की जो क्रस्ट है वो और क्रस्टी हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तब तक इसे आपको पकाना है, चिकन अंदर से कुक होना चाहिए, चीज मेल्टिंग हो जाएगा। तो जब इसे काटेंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर ऊजिंग आउट चीज निकलना चाहिए। चिकन पक चुका है, बाहर की क्रस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अंदर का चीज बाहर निकल के मेल्ट हो रहा है। वाओ, नाउ दैट इज गुड कुकिंग माय फ्रेंड। हाईएस्ट ऑर्डर कॉर्डन ब्लू, ऐसे ही तो कहा था हमने। प्लेटिंग टाइम। और ये आखिरी पीस, can't tell you how divine this is। चाय लेके आओ यार, चलो चाय पीते हैं। बेक चिकन बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट को चौड़ाई में चीरे और फ्लैप्स को खोले एक तितली का आकार पाने के लिए इन्हें दो क्लिंग रैप की शीट्स के बीच में रखें और ढककर मीट मैलेट से पीट लें। फिर रैप को खोले और ऊपर छिड़के नमक और काली मिर्च पाउडर, फिर ऊपर रखे हैम स्लाइस और चीज स्लाइस और क्लिंग रैप के साथ कसकर एक सिलेंडर के आकार में रोल कर ले। अब क्लिंग रैप को निकाल दे। अंडे को एक बोल में तोड़े, इसमें डाले नमक, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, मैदा और डेढ़ चम्मच ब्रेड क्रम्स और अच्छे से फेंट ले। एक दूसरे बोल में पार्मेसान चीज पाउडर, आधा कप ब्रेड क्रम्स, नमक, काली मिर्च पाउडर, कटी हुई पार्सले डाले और अच्छे से मिलाए। बने हुए चिकन सिलेंडर को अंडे के मिश्रण में डुबोए और चीज क्रम्स के मिश्रण में अच्छे से कोट कर ले और बेकिंग ट्रे पर रखे। ऊपर से तेल छिड़के और पहले से गर्म किए हुए ओवन में रखकर 18 से 20 मिनट तक बेक करें। ओवन से निकालकर स्लाइस करें और गर्मा गर्म परोसे। चाय की कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हाईटी में। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट रेसिपी, बेक्ड पोटैटो स्किन। ये रेसिपी इजाद हुई थी न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में 1974 में और खुशी की बात यह है कि इसी रेस्टोरेंट में मैंने अपना करियर भी स्टार्ट किया था, तो काफी कॉमन चीजें हैं। ये रेसिपी तो मुझे आपको सिखानी ही थी, लेकिन इस रेसिपी में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। इसमें ऐड किए हैं मसाला ओट्स, थोड़ी सी हेल्दी बनाने के लिए। तो चलिए सीखते हैं बेक्ड पोटैटो स्किन्स विद मसाला ओट्स। मेरी मसाला ओट्स की बास्केट बहुत प्रेशियस है, इसलिए संभाल के रखता हूं। मसाला ओट्स को एक बढ़िया सी बास्केट में मैंने पैक करके रखा हुआ है और आज मैं यूज करूंगा पेपर एंड स्पाइस मसाला ओट्स। बेक्ड पोटैटो स्किन्स मेक्सिकन डिश है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसमें आलू को पहले हम हल्का बॉईल करते हैं, थोड़ा सा अंदर से स्कूप आउट करते हैं ताकि हमें एक कटोरी जैसे मिल जाए जिसमें हम स्टफिंग कर सकें और उसमें आप अपनी मनचाही स्टफिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम बेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मशरूम, कॉर्न और मसाला ओट्स की स्टफिंग करके उसे बेक करेंगे। मैं यूज कर रहा हूँ सफोला के मसाला ओट्स, पेपर एंड स्पाइस। ये बहुत हेल्दी है और ये बने हैं होल ग्रेन ओट्स से, टेस्टी भी बहुत है।
अब हम बनाएंगे स्टफिंग जिसमें कॉर्न और मशरूम्स होंगे, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा गार्लिक। तो सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल डाल के उसको गर्म कीजिए। उसमें हम डालेंगे चॉप गार्लिक, थोड़ा सा चॉप स्प्रिंग अनियन, उसमें हम डालेंगे मशरूम्स, थोड़ा सा फ्रेश कॉर्न। वाओ, इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। मशरूम्स के साथ डालेंगे हम फ्रेश थाइम। फ्रेश थाइम और मशरूम्स का भी बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा वाइन भी डाल सकते हैं। मशरूम कुक हो चुका है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा फ्रेश कॉर्न, थोड़ा सा पानी। और इसको हम हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे जब तक कॉर्न सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो अमेरिकन कॉर्न टिन से भी यूज कर सकते हैं, बट मैं फ्रेश चीजें यूज करना पसंद करता हूं। फाइनली डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब पोटैटो स्किन्स बनाने के लिए हमारे पास बॉइल्ड आलू हैं, जिन्हें हम हाफ काट लेंगे। और एक चम्मच से इसे स्कूप कर लेंगे। आलू को इस तरह से हम खाली कर लेंगे ताकि ये पोटैटो स्किन्स लोड करने के लिए रेडी हो जाएं। और ये जो इसका स्कूप्ड आउट आलू है, इसको भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे जो हमने मसाला ओट्स तैयार करे हैं, क्रीमी हेल्दी टेस्टी। ये पोटैटो स्किन्स को एक नया रूप मिलने वाला है आज। आप चाहें तो इस ओट्स को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इस डिश को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसमें डालना है थोड़ा सा चीज, क्योंकि ये चीजी होना चाहिए और जब ये बेक होगा तो बिल्कुल मेल्ट करेगा। थोड़ा सा चेडर चीज या मॉन्ट्री जैक या फिर नॉर्मल प्रोसेस चीज भी चलेगा। ये डाल के आप इसको मिक्स कीजिए। पोटैटो स्किन्स का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इन स्किन्स को फ्राई करके क्रिस्प बनाना है और उसके बाद इसमें स्टफिंग होगी। पोटैटो स्किन्स को डीप फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए, और उसके बाद ये स्टफिंग इसमें भर के ऊपर से थोड़ा और चीज ग्रेट करके इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे करीबन 10 मिनट के लिए। चीजी कॉर्न मशरूम है, ओट्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है। पोटैटो स्किन्स गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये फ्राइड पोटैटो स्किन्स में हम डालेंगे हमारा मसाला ओट्स और मशरूम और कॉर्न का मिक्सचर, और उसके ऊपर हम डालेंगे और थोड़ा सा चीज। इसके ऊपर होगा थोड़ा और चीज की बारिश। जेनरस चीजी बारिश होनी चाहिए पोटैटो स्किन पे, ताकि जब ये बाहर निकले एकदम क्रिस्पी और चीज इनके ऊपर से मेल्ट होना चाहिए। तो इसको हम डालते हैं बेकिंग के लिए 180 डिग्री पे करीबन 10 मिनट के लिए। वेटिंग फॉर माय फेवरेट रेसिपी टू गेट डन। जब मैं पहली बार ये रेसिपी को बनाया था और खाया था, आई वॉज टोटली फ्लैबगास्टेड, यानी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था, मेरे मुंह से सलाइवा गिरता जा रहा था। इतनी चीजी और इतनी बढ़िया रेसिपी थी। अब ये अवन इतना टाइम क्यों लगा रहा है यार, अभी भी 9 सेकंड बाकी हैं। चलो वहां तक पहुंचते हैं। वाओ, आसपास का चीज जरूर जल गया है, लेकिन आलू के ऊपर का चीज एकदम नाइस गोल्डन ब्राउन कलर।
क्रिस्पी पोटेटो स्किन्स तैयार हैं। इनको फाइनली गार्निश करेंगे थोड़ी चॉप पार्सली के साथ और इस टी टाइम स्नैक को जरूरी नहीं कि आप चाय के साथ ही खाएं, आप कभी भी खा सकते हैं। मेरी फेवरेट रेसिपी है एंड आई एम श्योर जब ये मसाला ओट से भरे हुए पोटेटो स्किन्स आप खाएंगे तो आप भी दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए चाय पीते हैं। बेक्ड पोटेटो स्किन विद मसाला ओट्स बनाने के लिए एक गहरे नॉनस्टिक पैन में एक कप पानी को उबाले और उसमें डाले पेपर एंड स्पाइस ओट्स और अच्छे से मिला ले। इसे ढककर सारा पानी सूख जाने तक या ओट्स को पक जाने तक पकाएं। आलू को छीलकर आधा करें, गूदे को निकाल ले और मैश करके पैन में डालें। आलू के शेल्स को अलग रख ले। एक नॉनस्टिक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें, उसमें डाले लहसुन और भून लीजिए। अब डाले हरे प्याज के सफेद और अच्छे से भून ले। फिर डाले मशरूम और टॉस करें। अब डालें थाइम और टॉस करें। फिर डालें मकई के दाने, थोड़ा पानी और अच्छे से मिला लें। फिर डालें नमक, अच्छे से मिलाएं और आंच को धीमी करके मकई के नरम होने तक पका लें। अब इसमें डालें पके हुए ओट्स का मिश्रण और अच्छे से मिला लें और मिश्रण को एक बोल में निकाल लें। उसमें 20 ग्राम चीज ग्रेट करें और अच्छे से मिला लें। एक कढ़ाई में काफी सारा तेल गरम करें और आलू के शेल्स को सुनहरा होने तक तले और एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर छान लें। इन तले हुए आलू के शेल्स में पके हुए ओट्स का मिश्रण भरें और इन्हें एक ओवन प्रूफ डिश पर रखें। ऊपर से बचा हुआ चीज ग्रेट करें और डिश को पहले से गर्म किए हुए ओवन में रखकर 10 मिनट तक बेक करें। फिर ओवन में से निकालें और पार्सली से सजाकर गर्मा गर्म परोसें। आपके चाय दोस्त को हमारी ये चाय की दोस्ती में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं, चाय को एक नया रूप दे रहे हैं। एक और रेसिपी बनाएंगे जो दिखती बिल्कुल चाय की तरह है लेकिन चाय नहीं है। ये रेसिपी है एप्पल और साइडर टी। क्रिसमस के टाइम पे एक इंटरनेशनल ड्रिंक बनती है रेड वाइन से, जिसे बोलते हैं सांग्रिया। उस रेड वाइन में ऑरेंज जूस जाता है, फ्रूट्स जाते हैं, स्पाइसेस जाते हैं और उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद वो वाइन जो है वो बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है। अब मैं तो वाइन पीता नहीं हूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी एक ड्रिंक बनाई जाए जिसमें वाइन जैसा टेस्ट भी हो लेकिन वाइन जैसा अल्कोहल ना हो। तो इसलिए मैंने एक ड्रिंक बनाई है, एप्पल एंड कैरमल स्पाइस ड्रिंक। एप्पल जूस को हमें बॉइल करना है स्पाइसेस के साथ, जिसमें होंगी थोड़ी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी ब्राउन शुगर और थोड़ी कैरमल सॉस। थोड़ी सी क्लोव्स, थोड़ी सिनेमन, ब्राउन शुगर, क्रश जिंजर मेरी गारंटी है कि पूरा घर खुशबूदार हो जाता है, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार सर्दियों में अपनी मां को बना के पिलाया था उनको बहुत पसंद आएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। एप्पल के छोटे छोटे ब्रूनुआ यानी कि उसके छोटे डाइसेस काटेंगे और इस ड्रिंक की शोभा को और बढ़ाएंगे। इस ड्रिंक की खास बात यह है कि आप इसे सर्दियों में गर्मा गर्म पी सकते हैं और गर्मियों में चिल्ड करके, दोनों तरह बिल्कुल परफेक्ट रहती है ये। सॉलिड खुशबू आ रही है बॉस। अब इसमें से ये स्पाइसेस को हम निकाल देंगे। और इसमें मिलाई जाएगी अब कैरमल सॉस। कैरमल सॉस आप या तो बाजार से खरीद सकते हैं या फिर बनाना भी बहुत सिंपल है। चीनी को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक जलाइए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा बटर डालिए और उसे स्टर करिए। लास्ट में थोड़ी सी क्रीम डाल के उसे निकाल लीजिए। तो इस तरह से थिक कैरमल सॉस तैयार हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि इतना पेन लें तो बाजार से खरीद लीजिए।
ये ग्लास ठीक रहेगा। वाइन जैसी फीलिंग तो आएगी लेकिन वाइन है नहीं। सेब के डाइसेस हैं इसमें और अब डालेंगे गर्मा गर्म कैरमल एप्पल स्लाइस। आई एम श्योर ये दिख बहुत अच्छी रही है, टेस्टी भी बहुत है, ये मेरी गारंटी है, बट इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत तगड़ी। अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा हो तो थोड़ा सा ये एप्पल कैरमल स्पाइस पीजिए, खुल जाएगा। ये एप्पल और कैरमल स्पाइस को जब मैंने पहली बार अपनी माँ को पिलाया था तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था। मजा आ गया था, आप भी मजे लीजिए और चाय पीजिए। एप्पल कैरमल स्पाइस बनाने के लिए एक गहरे नॉनस्टिक पैन में सेब के जूस को लौंग, दालचीनी, ब्राउन शुगर और कुटे हुए अदरक के साथ गरम करें। फिर पैन को ढके और एक उबाल आने दें। सेब के चौकोर टुकड़े काटें, उबलते हुए मिश्रण में से साबुत मसाले निकाल दें और कैरमल सॉस डालकर अच्छे से मिला लें। सेब के टुकड़े चार ग्लासेस में बांट दें और ऊपर से ड्रिंक डालकर गर्म या ठंडा परोसे। Send us your most innovative Saffola masala wood recipes and win exciting hampers. आज के चाय के समय में I'm sure आपको बहुत मजा आया होगा। मेरी घर की खुशबू भी आपने ले ली, मेरी फेवरेट रेसिपी भी आपने सीख ली और फ्रांस जाके चिकन कॉर्डन ब्लू भी सीख लिया। आपको मैं और घुमाता रहूंगा और इसी तरह से इन डिशेज को हम और एक्साइटिंग बनाते रहेंगे। तो अपने डिशेज भी हमें लिख भेजिए hi@foodfood.com पे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं facebook.com पे या फिर twitter@foodfood.com पे। तो दोस्तों, खाने खिलाने के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन हाई टी।